हेलो, माय नेम इज आदिल हुसैन एंड कीप वाचिंग इंडिया फायर। इंसाफ की आवाज उठा रहे, इनको किस चीज की इंसाफ चाहिए? अब भूख हड़ताल पे है लगातार 3 दिन से, और इनका कहना ये है इनको इंसाफ चाहिए। हम लोग बातचीत करेंगे महेंद्र पाल सिंह जी से। सर, हम जानना चाहेंगे कि हड़ताल, जो भूख हड़ताल आप 3 दिन से लगातार कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है, क्या चाहते आप? भारत गवर्नमेंट से लिमिटेड और रजिस्टर्ड कंपनीज जिन्होंने पूरे देश के करोड़ों लोगों से सेविंग के नाम पे पैसा हड़प रखा है, वो पैसा अब वापस नहीं हो रहा। जब से मोदी साहब सरकार में आए हैं, इन्होंने आते ही वो कंपनियों को बंद कर दिया। सरकार ने कंपनियों को लाइसेंस दिए हुए थे, सरकार बंद कर दे कोई हर्ज नहीं हमें। जैसे सरकार के नोट थे, सरकार ने नोटबंदी कर दी। पर इसमें जो है कि इन कंपनियों में जिन्हें मोदी जी ने बंद किया, इनमें करोड़ों लोगों के पैसे फंसे हैं। उन पैसे के लिए सरकार कोई भी प्लानिंग नहीं कर रही। हमने एक कंपनी की लड़ाई लड़ी थी 2015 से, PACL, जिसका मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुके हैं। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर सुना दिया कि कंपनी की संपत्ति को बेचकर निवेशकों को पैसा दे दिया जाए, और इस काम के लिए साबका चीफ जस्टिस आरएम लोधा, कोर्ट से ऑर्डर आ चुके थे, साबका चीफ जस्टिस आरएम लोधा को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और सेबी उस कमेटी में है, और अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया गया। और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिस पे पॉलिटिकल लोग और जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो लोग बैठ के उसकी इनकम खा रहे हैं। और इसी तरह सैकड़ों कंपनीज हैं, जैसे PACL, रोज वैली, शारदा, किम, कैन, अनेका नाम्स हैं। ये कंपनी कहाँ से आए, इन्हें क्यों लाइसेंस दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया तो बेरोजगार लोग उस कंपनी से जुड़े, और बेरोजगारों ने उसमें रोजगार पाया और उसमें अपने नियर डियर का पैसा लगवा दिया। अब वो पैसा डूब गया और भारत सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही। अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं 2 बार उनसे मेरी मुलाकात मिले थे सर, हम 16 में भी मिले थे, 17 में भी मिले थे, हाँ 2 बार। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया, फिलहाल ये बोला था कि हम जल्दी इसका हल निकालेंगे। आज देखो कितना समय हो गया। और खास करके मैं बताना चाहूँगा, अरुण जेटली इस कंपनी के लीगल एडवाइजर रहे हैं 7 साल, उनका तो फर्ज बनता है। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ आश्वासन दिया है, कोई कार्य नहीं हो पा रहे अभी तक, कुछ नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में भी बहुत से सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, पर सरकार इस पर चुप है। सरकार इन लोगों के बारे नहीं सोच रही। सरकार को चाहिए फंड, वो दे रही है कंपनीज। सरकार इलेक्शन लड़ने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां फंड तो देख रही हैं कि उन्हें उन कंपनियों ने फंड दिया है, पर ये नहीं देखते कि उन्हें वोट किसने दिया। आप लोगों का कितने कितने पैसे उसमें लगे हुए हैं सर? पूरे देश में 5,85,00,000 निवेशक केवल एक PACL कंपनी के हैं। शारदा के अलग हैं, रोज वैली के अलग हैं, किम के, पिनकॉन, अनेकों कंपनीज हैं। वो हम सभी कंपनियों को लोगों को लेकर बैठ रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर हर कंपनी के लोग हैं? हाँ जी, हर कंपनी। ये अलग अलग भारत के अलग अलग जगह से आए हुए सर आप? हाँ जी, हाँ। तो सर, आप लगातार यहाँ पर 3 दिन से बैठे हुए हैं, तो आप लोग रात को कहाँ रहते हैं? रात को पुलिस हमें जबरदस्त उठा रही है, हम देख रहे हैं। जिस दिन हमारी पुलिस हमें जे करी, हमें आपको 1-2 दिन में कुछ अच्छी जगह जहां गवर्नमेंट आंदोलन करने के लिए दे रही है वहां देगी। अगर कल हम वेट करेंगे कल तक, अगर कल से नहीं तो जहां ही रहेंगे। अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना मैं गिरफ्तार कर ले, अगर हमारे ऊपर FIR करनी है वो कर ले, जेल भेजना जो भेजे, हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं बैठेंगे। सर, ये आप लोग पहले भी प्रोटेस्ट करे थे, बहुत टाइम पहले भी आप लोगों प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं, उसमें कोई रिजल्ट नहीं हो रहा, लेकिन इस बार भूख हड़ताल में आपको क्या लगता है सर, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे? क्योंकि अभी तो इलेक्शन की टाइमिंग भी आ रहे हैं सर, क्या लगता है आप लोगों को? देखो, लोकतंत्र है, हमें जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान लिखा गया था ना, उस समय जो किया था गांधी जी ने, क्या रखा, उन्होंने भी भूख हड़ताल रखी थी ना, तो हमें भी अपना हक, उन्हीं को आदर्श मान के अभी नहीं, मैं जो हमें लोकतंत्र में मिला है, हम हाँ अधिकार है हमें भूख हड़ताल, पर जो मौजूदा सरकार है ना मोदी जी, ये तो तानाशाह, ये तो बैठने भी नहीं दे रही। देखो गुंडागर्दी इनकी, जब पुलिस वाले आते हैं हम आपको पकड़ के ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो लोकतंत्र कहाँ है, ख़त्म कर दिया मोदी जी ने लोकतंत्र तो। पर हम फिर भी टिके हुए, आज़ादी लाने में, अंग्रेजों को भगाने में
हमारा सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा सरदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब भी हम मोदी को ये कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तेरे पास पुलिस है, आर्मी है, हमारे पास जिगरा है, दिल है, तेरी पुलिस में तेरे में दम है तो गोली मार, जेल भेज दे हमें, पर हम लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला वो तो ना सीन। सर ये तो आपका भूख हड़ताल का ये लगातार आपका चलता रहेगा, लेकिन सर हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे कि सरकार में अरुण जेटली जी से भी मिले हैं लेकिन वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे, अभी आप नरेंद्र मोदी जी से कुछ उम्मीद रख रहे हैं इस सरकार से? नहीं, हमारा ज्ञापन जा रहा है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, फिर मोदी जी को, आज हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं। अगर सुनते तो ठीक है, हम एक महीना भूख हड़ताल का फैसला ले रखे हैं कि एक महीना बैठेंगे, और बीच पहले ही हमने 25 नवंबर की एक बड़ी सभा का ऐलान कर रखा है कि पूरे इंडिया से, आज तो अभी तो हम पूरे इंडिया से अपने लोगों को बुला नहीं रहे, हम तो कह रहे थोड़े थोड़े दो दो चार चार हाजिरी लगाते रहो, और 25 नवंबर को हम पूरा इकट्ठ करेंगे, उससे पहले हमारी एक कमेटी गठन हो जाएगी और उस कमेटी का डिसीजन होगा वो 25 को, फिर हम आगे अगर दिल्ली को जाम करना का फैसला आता तो दिल्ली जाम। एक लोगों का सर कितना पैसा इसमें लगाए होंगे लोगों ने, एक एक लोगों का कितना होगा? देखो हर आदमी की अपनी अलग अलग कैटेगरी है, गरीब के कम है थोड़ी सी, उससे आपके एक छोटा सा अमाउंट बताइए थोड़ा सा। देखो कम से कम 10,000 से लेके, गरीब लोगों का पैसा 10,000 से लेके 10 लाख तक के पैसे हैं। मैं गिनती बता देना चाहता हूँ, 5,85,00,000 तो केवल PSEL के हैं, और दूसरी कंपनीज कितने होंगे, मैं ये कहना चाहूँगा आधी आबादी हिंदुस्तान की इन कंपनियों में डूबी हुई है। आप किसी देहाती एरिया में, मैं शहर का नहीं बोल रहा, किसी गांव में चले जाइए और वहां से जाके घर घर जाके सर्वे करिए कि आपके किसी कंपनी में पैसे लगे हैं। कई बार आपको ये होगा कि लेडीज को नहीं पता होगा, जेंट्स ने लगाए होंगे, और कई बार घर के जेंट्स को नहीं पता होगा, लेडीज ने लगाए होंगे, पर हर 10 घर में जाएंगे तो 5 घर में लोगों का पैसा आपको लगा हुआ मिलेगा। हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी आए हैं यहाँ पर भूख हड़ताल में है। मैडम आप कब से हैं? मैं तो आज ही आई हूँ। आप आज ही आए हैं, तो आपका क्या कहना है, आप भी कब तक रहेंगे इनके साथ सपोर्ट में, कब तक रहेंगे? जब तक सर रहेंगे तब तक हम भी रहेंगे, उनके सपोर्ट में तो सभी खड़े हैं और हम भी खड़े हैं। इनका कहना है कि जब तक अगर मोदी जी आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक ये कोशिश करेंगे कि उनके कानों तक आवाज़ पहुँचाएं और भूख हड़ताल में रहेंगे, इनका कहना यही है। और इनका जो पैसा है इनको मिले, इनका डिमांड ये है, चाहते भी यही है, और इनकी आवाज़ सुनेंगे, ये तो वक्त बताएंगे कि इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेंगे। तब तक आप लोग देखते हैं इंडिया फायर न्यूज़। नमस्कार।